गलत ब्लड चढ़ा दिया गया, वो पूरा प्रकरण क्या है उसके बारे में बताएं। देखिए ऐसा है कि 23 साल का एक युवक सचिन शर्मा, उसकी दुर्घटना हो गई थी, एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में उसके पैर में चोट लगी। वो सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए जयपुर में आया, राजधानी जयपुर के और हिंदुस्तान के सबसे बड़ा अस्पताल है सवाई मानसिंह हॉस्पिटल, यहाँ पे इलाज कराने आया। इलाज के दौरान उसको ओ पॉजिटिव उस बच्चे का ब्लड ग्रुप था और उसको ए बी पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया गया। ये जो लापरवाही पूर्वक कार्य हुआ उसके कारण उसके स्टार्टिंग में लीवर फेलियर, किडनी फेलियर और भी ऑर्गन्स ने काम करना बंद कर दिया। और उसके बाद कल हम जब यहाँ पे अधीक्षक महोदय से आके मिले, जैसे हमें पता लगा तो उन्होंने कहा कि हमने है ना एक तो जांच कराने के लिए पूरी टीम बना दी और एक इलाज कराने के लिए भी टीम लगा दी है, परंतु आज सुबह तड़के हमें पता लगा कि इस बालक की मौत हो गई। देखिए हमारा कहना है कि यहाँ पे परिजन भी हैं, समाज के लोग भी हैं, सामाजिक संगठनों के नेता भी यहाँ पे मौजूद हैं। हमारी स्पष्ट रूप से मांग ये है कि ना केवल राजस्थान के बल्कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है ये, लाखों करोड़ों का बजट आता है यहाँ पर, नीचे से लेकर ऊपर तक स्टाफ को लाखों करोड़ों रुपए की तनख्वाह दी जाती है, रक्षक ही भक्षक बनने लग गए। अरे इलाज कराने के लिए अलग अलग योजनाएं चल रही है, इलाज कराने के लिए यहाँ पे आदमी आया है, कोई बच्चा आया है, गरीब आदमी आया है यार। अरे इलाज तो छोड़ो, उसको यार गलत इलाज करके मार दिया। अरे बता देते, हर आंख के अंदर आंसू है यार, आज मेरी मैं इलाज कराने यहाँ पे आऊँ और आप मैंने मेरा इलाज तो छोड़ो, आप मेरा गलत इलाज कर दो। अरे बोल दो कि यार हम इलाज नहीं कर सकते तो हम घर पे ही मर जाएंगे। तो ऐसे कैसे पता चला कि गलत ब्लड ग्रुप? वो मालूम पड़ गया ना साहब, हाथ क्या थी वो, क्या है कि ट्रॉमा के अंदर जो फिर जब सर्जी ऑपरेशन करने के लिए जब SMS के उसमें OT में जाने लगे तब वो बॉडी के अंदर रिएक्शंस आते हैं, तो रिएक्शन से पता लगा इसका तो ब्लड ग्रुप ही गलत चढ़ गया और परिवार के लोग भी वहाँ पे मौजूद थे, तो हाथ क्या उनको भी भनक लग गई। और आपके मीडिया कर्मियों का, मैं मीडिया के साथियों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उस समय वहाँ पे तुरंत प्रभाव से आ गए और उन्होंने हाथ क्या थी जाँच कर ली, तो वो जो बैग्स होते हैं उनमें ही गलत लगा हुआ था, ओ पॉजिटिव की जगह ए बी पॉजिटिव लगा हुआ था बैग्स भी। तो ये ऐसी घटना, मतलब ये तो हत्या है जी, और है ना इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, तो इसलिए नीचे से लेकर ऊपर तक हर आदमी को बर्खास्त होना पड़ेगा। आगे आप लोग क्या प्लानिंग बना रहे हैं? हम यहाँ पर इस समय आपके सामने मोर्चरी पर मौजूद हैं, यहाँ पर सचिन शर्मा हमारा जो छोटा भाई है उसकी देह अंदर है और हम सब परिजनों के साथ यहाँ पे मौजूद है, और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम यहाँ से नहीं लेंगे। क्या क्या मांगे हैं? हमारी मांगे हैं कि उस समय न केवल एक कोई आप है ना खाना पूर्ति करो, जिससे कि ना कोई स्टाफ बॉय, वार्ड बॉय या नर्सिंग कर्मी को बेचारे को आप उसको हटा दो, तो ऊपर के कंट्रोलर तनख्वाह किस बात के लेते हैं? अरे ऊपर के डॉक्टर्स किस बात की तनख्वाह लेते हैं? नीचे से लेकर ऊपर तक, क्योंकि ये राजधानी का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अस्पताल है, नीचे से लेकर ऊपर तक हर आदमी जो उस समय ड्यूटी पर था उसको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त कर दिया जाए, जिससे कि भविष्य में कोई भी ऐसी, अरे साहब डेली मरेंगे क्या? हेल्थ मिनिस्टर से भी कोई बात हुई? हम नहीं, आपके मार्फत बोल रहे हैं, यहाँ आओ। देखिए ऐसा है, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि ट्रैफिक जाम नहीं, इसलिए मैं तो आजकल प्रोटोकॉल से भी नहीं चल रहा, आदमी मर रहे हैं साहब, आओ यहाँ पे, आओ यहाँ पे लोग ही तो हैं। अरे आप तो यातायात, यानी आदमी लेट नहीं हो उसके लिए भी आप इतने संवेदनशील हो, यहाँ तो आदमी परमानेंट लेट हो गया। आप गाँव मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री सारे, स्पष्ट रूप से हमारा निवेदन सुन लें, 1 करोड़ रुपए मुआवजा, परिजन को नौकरी, और नीचे से लेकर ऊपर तक उस समय जो हमला मौजूद था उसको बर्खास्त किया जाए। हम यहाँ डटे हुए हैं, हम मिलने वाले नहीं है। मैं अनिल चतुर्वेदी, परशुराम सेना अध्यक्ष, सुनील उदैया जी विप्र महासभा अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के पंकज जी जोशी, और भी हमारे भाई हैं बाहर से भी आए हैं, दीपक मिश्रा जी, और भी हमारे साथी यहाँ मौजूद है परिजनों के साथ, हम हिलने वाले नहीं है। हमारा इतिहास मालूम कर लो, इंकलाब जिंदाबाद है, हम आम आदमी के लिए लड़ेंगे, रक्षक ही भक्षक बन गए। अरे हजारों करोड़ों रुपए किस बात का खाते हो? किस बात का खाते हो? किस बात की तनख्वाह है? हर आदमी रो रहा है, मजाक है क्या? हम मिलने वाले नहीं है, न्याय चाहिए और आपके जरिए चाहिए हमको। हम फोन नहीं करेंगे किसी को, हम आपके मार्फत हर व्यक्ति के पास सूचना है यहाँ आए, परिजनों की सुध ले, बर्खास्त करे, न्याय दे। हम दर दर ठोकरे खाने वाले नहीं है। अरे गरीब आदमी इलाज कराने आ गया, मार दिया उसको। भारत माता की जय हो। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद। थैंक यू।